हेलो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लारावर प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सी पैनल या होस्टिंग पे कैसे अपलोड करें। जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा वो एकदम सिंपल एंड 100% परफेक्ट तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लारावर प्रोजेक्ट है का, और इसको अगर मैं ऑनलाइन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे इसको चालू कर रखा है। तो लारावर प्रोजेक्ट को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने लारावर प्रोजेक्ट का कैश क्लियर करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैश क्लियर कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप अपना टर्मिनल है उसको ओपन कर लीजिए। एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप जस्ट राइट यहाँ पे लिखिए PHP आर्टिजन कैश क्लियर, एंड उसके बाद जो इसका कॉन्फिग हैगा उसको भी क्लियर कर लें। एंड इसके बाद आप अपने जो लारावर की डायरेक्टरी है उस पे जाइए। तो मैं अपने लारावर की डायरेक्टरी पे जाता हूँ। तो ये मेरा लारावर एसटीडॉक्स फोल्डर के अंदर इंस्टॉल है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और लारावर से रिलेटेड जितनी भी फाइल है उन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका जो लारावर प्रोजेक्ट है अगर वो गिट पे भी डाल रखा है आपने गिटहब पे, तो आपको यहाँ पे एक डॉट गिटहब फाइल भी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे डॉट गिटहब फाइल है तो आप उसको सिलेक्ट ना करें, आप उन्हीं फाइल को सिलेक्ट करें जो भी लारावर से रिलेटेड है। तो मैं इन सबको फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन सबको मैं जिप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये जिप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको अपनी होस्टिंग पे जाना है। तो ये मेरा सी पैनल है। सी पैनल के बाद में जाने के बाद अपना फाइल मैनेजर ओपन करिए। एंड फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद इसको आप जहाँ भी इंस्टॉल करना चाहते हैंगे वहाँ जाइए। तो पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ। एंड इसके बाद आप इसको अगर फोल्डर के अंदर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैं इसको अपनी जो रूट डायरेक्टरी उसमें इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं ये मेरे रूट ही हैगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करिए एंड आपका जो जिप फाइल है यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिए। तो मैं जिप को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, ये अपलोड हो चुकी है। एंड इसको आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप अपना फोल्डर डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक डॉट htaccess फाइल भी बनानी है ये रूट में। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डॉट htaccess नाम से। एंड इसको क्रिएट करने के बाद जस्ट इसको एडिट पे क्लिक इसको सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे आपको डॉट htaccess फाइल दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए सो हिडन फाइल और यहाँ पे कर दीजिए सेव। एंड आपको यहाँ पे हिडन फाइल भी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे डॉट htaccess फाइल है, मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ और एडिट एडिट पे क्लिक करिए। एंड जो आपको मैं ये टेक्स्ट दिखा रहा हूँ जस्ट इसको आपको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। ये टेक्स्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसको जस्ट सेव कर लीजिए। ये सेव हो चुकी है, ये आपका फोल्डर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अपलोड भी हो चुका है। एंड अपलोड करने के बाद आपको डेटाबेस कनेक्शन भी चाहिए, तो डेटाबेस के लिए मैं पहले डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एंड इसको मैं यहाँ पे अपने सी पैनल में इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ। तो मैं पहले MySQL एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी नेम यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे लारावर नाम से एक डेटाबेस अपना क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब मैं एक यूजर भी क्रिएट कर लेता हूँ इसी नाम से। मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर का यूज कर लेता हूँ। एंड अपने पासवर्ड को मैं कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जस्ट यूजर को क्रिएट कर लीजिए। एंड यूजर क्रिएट करने के बाद
आपको परमिशन भी सेट करनी होती है इसकी, तो जस्ट परमिशन भी सेट कर लीजिए। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो आपका डेटाबेस नेम है और यूजर नेम हैगा, आपका ये डेटाबेस नेम है एंड आई थिंक यही आपका यूजर नेम है। इसको कॉपी करने के बाद अपने अपने फोल्डर के अंदर जाइए, पब्लिक अपने जो रूट डायरेक्टरी उसके अंदर ईएनवी फाइल पे जाइए, ये हमारी ईएनवी फाइल है, इसको एडिट पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्शन हैगा यहाँ पे डेटाबेस का नाम दीजिए पहले, यूजर नेम हमारा सेम ही रहेगा एंड पासवर्ड हमारा ये है, तो मैं जस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा डेटाबेस होस्ट सेम है, आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी ले सकते हैं और ये भी सेम है। एंड उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट, जस्ट क्लिक करिए सेव चेंजेस। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगेन यहाँ जाइए, आप उसके बाद अपनी पीएचपी माई एडमिन पे जाइए ताकि आप डेटाबेस को इंपोर्ट कर सके, अपने अपना जो डेटाबेस नेम है उसको सिलेक्ट करिए, इंपोर्ट पे क्लिक करिए, चूज फाइल, डेटाबेस को चूज करिए एंड ओपन एंड जस्ट यहाँ पे गो। तो हमारा पूरा डेटाबेस भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं सारे हमारी जितनी भी टेबल नेम है सारी इंपोर्ट हो चुकी है। एंड उसके बाद अपनी जस्ट साइट को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसको रूट में ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं जस्ट अपनी अपनी जो मेरी डोमेन है उसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर ये दिखा रहा है योर कंपोजर डिपेंडेंसी रिक्वायर पीएचपी वर्जन, अगर आपका पीएचपी वर्जन कम है तो अपने पीएचपी वर्जन को इंक्रीज कर लीजिए। तो मैं अपना पीएचपी वर्जन है उसको यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। आपको थोड़े बहुत ऐसे इशू आते हैं देखने में, तो उनसे घबराना नहीं है, उनको इसको उन इशू को देखना है और इनको ठीक कर। तो यहाँ से मैं पीएचपी वर्जन को इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पीएचपी वर्जन 7.4 यूज कर लेता हूँ एंड इसको जस्ट यहाँ से सेट एज करेंट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हमारा पीएचपी वर्जन 7.4 हो गया। अगर मैं अपनी अब अपनी साइट को रिलोड करूं तो ये काम करने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप अपना पीएचपी अपना लार्वल प्रोजेक्ट है ऑनलाइन कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।